कहां से सृजित करेंगे इतनी नौकरियां? अब वो मैं सवाल वो पूछ बात रही बता है। रहा हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं पहले 25% तो सीधे मिल रही हैं, और जो व्यक्ति बाहर निकल रहा है, मैं यह बात चित्रा जी कह रहा हूं, उसके पास सर्टिफिकेट भी है और 20 लाख का बैंक बैलेंस है। कितने लोगों के पास 20 लाख का बैंक बैलेंस होता है 21-22 साल की उम्र में, बताइए? मैं पूछना चाहता हूं। वो जो चाहे नया रोजगार सृजित कर सकता है, और अगर नौकरी करना चाहे तो उसके पास प्रिपरेशन करके कंपटीशन में आने के लिए 7 वर्ष का समय है, क्योंकि 28 साल तक का समय होता है। अगर वो रिजर्व कैटेगरी का होगा तो उसके बाद 10 या 12-13 वर्ष का समय होगा। और इस ढंग से एक और बात होती है कि आप देखें, लगातार हमारी जो आर्मी की जो एज है वो भी कम रहेगी। आजकल के जो युवा हैं वो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जितनी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उन युवाओं के द्वारा उन चीजों का उपयोग भी ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, तो आर्मी भी वेल इक्विप्ड होगी, ज्यादा युवा होगी, और जो बाहर निकलेगा उसके पास सरकार से ही सारे सवाल है। मेरे भी सवाल सुधांशु जी से ही होंगे, रागिनी जी आपके भी सवाल होंगे, मेजर जनरल शिवाज मैं सीधे आपके पास आते हैं, सेनाओं को मैं आ रही हूँ, पॉलिटिकल गेस्ट आपके दो ही हैं, ठीक है मैं आ रही हूँ, हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, जल्दी से लोगों की मीटिंग पूरी हो जाए, शुरू भी सुधांशु जी से करेंगे, खत्म भी उन्हीं पे कर, अभी खत्म नहीं हुआ है रागिनी जी, आप पहले ही बेचैन मत हो, ये भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है डिबेट में लौट, चलिए आप अपनी बात बोल लीजिए वरना आप फिर आरोप लगाने लगे, बोलिए बोलिए आप अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद मैं जनरल से बात फौरन आती हूं, थैंक यू सो मच, जल्दी से बोल देती हूँ। देखिए मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, इन्होंने खुद कह दिया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन 2 साल की ट्रेनिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनिफिट 2 साल के ट्रेनीज को देने की बात कही कि आप सीएचडीएस का की फ्री मेडिकल सुविधा दीजिए और कैंटीन दीजिए, वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे बता दीजिए, तो 4 साल की ट्रेनिंग है, और ये बार बार 11 लाख की बात हो रही है, 11 लाख वो 4 साल काम भी तो करेंगे, 20,000 से 40-45 हज़ार ही वेतन है उनका, और उस वेतन में से ही काट कर आप पैसा दे रहे हैं क्या? 11 लाख में सारी उम्र कट जाती है मुझे बताइए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, खुद कह दिया पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा, फिर आईएएस का काम दिया जाएगा, चाहे उन्हें नौकरी मिले चाहे ना मिले, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, लेकिन ये 10 लाख जो नौकरी है इस पर भी मैं आऊंगी, उसके पहले मेजर जनरल सेवा सीधे आपके पास आते हुए, सेनाओं को इस अग्निपथ की जरूरत आखिर क्यों है, इसके बारे में कैसे जानकारी देंगे आप? देखो चित्रा, इसमें दो बातें हैं, ये जो आई है अग्निपथ और जिसमें अग्निवीर होंगे, ये एक मिक्स फीलिंग आई है। देखो मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में जो डिफेंस बजट है उसके अंदर रेवेन्यू बजट बढ़ता जा रहा था, पे एंड पेंशन, तो गवर्नमेंट के अंदर प्रेशर था कि किसी तरीके से पेंशन को कम किया जाए, और दूसरा प्रेशर था कि जो एवरेज एज थी वो 26 साल थी उसको घटा के कोई 20-21 साल किया जाए, तो इस ये जो स्कीम है वो दोनों चीजें कर रही है, मगर इसके अंदर काफी खामियां हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप समझो कि जब वो 4 साल के लिए आता है, 6 महीने ट्रेनिंग कोई नहीं होती, ट्रेनिंग होती है 2-2.5 साल एक जवान की ट्रेनिंग, आज टेक्निकल आर्म है, आज कॉम्बैट आर्म जो मैं काउंटर टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी, 4 सालों के लिए रखा जा रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, मगर वो जो आप बात कर रहे हो कि वो इतनी जल्दी 6 महीने में ट्रेन नहीं होता, जब तक वो ट्रेन होगा वो 4 साल में निकल जाएगा, उसके बाद उसका है नाम नमक निशान, फौज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जवान जिसको पता मुझे 4 साल ही नौकरी मिलेगी और मेरा फ्यूचर अनसर्टन है, तो वो जो है उसके अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं होगी जो एक नॉर्मल जवान में होते। दूसरी बात, अगर मैं चाहता हूं उनमें से 25% को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, देखो 75% जो बाहर जा रहे हैं वो एक प्रकार से वल्नरेबल हैं, उनको ये नहीं पता कल हमारा क्या होगा, क्योंकि वो एक ऐसा है अगर उनको जॉब नहीं मिलती। रक्षा मंत्री का ये कहना है कि दरअसल कोशिश ये की जाएगी कि अलग अलग जितने भी सेक्टर्स हैं वहां से वो ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे, इस वजह से उनको नहीं मिलेगी, ये तो मैं बताने को, देखो मैं ये बताऊं, मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड रह चुका जो 2 महीने के लिए ही आते हैं, 10 महीने वो ही करते हैं जो करते हैं, तो वो भी बहुत वल्नरेबल, मेरा मतलब 2-3 मैं सुझाव दे रहा हूं जो कि सुधांशु त्रिवेदी भी सुनेंगे, कि एक तो इनको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, क्यों नहीं आप उनको लेटर इंडक्शन करें सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में, वो जो है सीआरपीएफ बीएसएफ और सीआईएसएफ, अगर ये 10वीं से ही बच्चों को ले लिया जा तो रहा है, 10वीं से ही 17 साल 6 महीने की तो कम उम्र से ही उनको तुरंत वहां पर तो ले लिया जा रहा अभी भी तो भर्ती उतनी ही है, 10वीं के बाद ही तो आता है एक जवान। मैं कहता हूँ 4 साल ट्रेन किया आपने, बैटल हार्डन है, उसको आप सीआरपीएफ बीएसएफ और आईटीबीपी मिले, आप उसको बाहर भेज रहे हैं उसको जॉब नहीं मिलेगी, और या अगर आप सोचते हैं बाहर जाना है तो आप गवर्नमेंट ऑर्गन्स में उनकी जॉब मुकरर करें या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यकीन कराएं, क्योंकि क्या होगा
चित्रा इसका जिक्र किया है। नहीं देखो चित्रा होगा क्या, ये मुझे डर ये है कि वो कहीं मिनियल जॉब करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे और एंटल सोशल एक्टिविटी में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन है, उनके जॉब लेस है। बड़ी बात ये आप समझने की कोशिश करो। अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो आई विल बी डूइंग इनजस्टिस टू माई सर्विस। माई पॉइंट इज गवर्नमेंट ने जो किया है वो ठीक है, मगर आगे बढ़ने के लिए दो बातें करें। एक तो कहीं ना कहीं इस पर कदम बढ़ाने कराएं कि उनको जॉब। दूसरी बात मेरा एक ये भी समझ, आपको ये लग रहा है कि वहां से ट्रेनिंग के बाद निकलने के बाद कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो समाज में माहौल खराब करते हैं उनके साथ मिलकर हो सकता है, आप ये इसकी ओर इशारा कर रहे हैं? एक और इशारा, एक और इशारा है, पैसे मिलने में दिक्कत नहीं है एक और इशारा अगर वो वहां पर जाते हैं। बिल्कुल एक और इशारा है। आप देखो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो आपने सोचा था कि रूस जो है कुछ एक चंद एक समय में यूक्रेन को जीत लेगा, मगर नहीं जीता। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी जो 3 से 4 साल आती है। वही आर्मी आप खड़ी करने की कोशिश करो। आपके सामने दुश्मन कौन है? चीन और पाकिस्तान, जिसकी जीडीपी कितनी, डिफेंस बजट एक ही 11% एक ही पार। जवाब मैं लूंगी तो मैं समझने की कोशिश, अगर हम ये पॉइंट नहीं कराएंगे तो कौन कर? एक्सपेरिमेंट करना था, पायलट प्रोजेक्ट बनाते, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाते, उसको देखते सक्सेसफुल कितना है। दूसरी बात, पायलट प्रोजेक्ट करो, आप क्यों नहीं पैरामिलिट्री में किया, क्यों आर्मी पे ये कर रहे हो? 4 साल के अंदर जो जवान है क्या वो उतना ही एक प्रकार से लॉयलिस्ट और जान देने को तैयार होगा जितना एक नॉर्मल जवान है? क्योंकि 4 सालों के बाद उनमें से जो 25% आएंगे आगे की सेना के लिए ऊंचे दर्जे के लिए, उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो और बड़े पोस्ट पर पहुंच पाए। रिक्रूटमेंट तो है ही नहीं, अब यही रिक्रूटमेंट होगी। आप समझ रहे कोशिश को चित्रा, मतलब कि ये है जो 100 बंदे भर्ती हुए तो 25 ले लिए जाएंगे रेगुलर, 75 को निकाल दिया जाएगा। मेरा मतलब ये है कि जब ये 4 साल में जो कटिंग एज है, ये जो 6 महीने के लिए ट्रेंड है, क्या अंदर उनके अंदर उतनी मोटिवेशन होगी? जितनी जितनी हम आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं दिनेश जी। देखिए मैं एक बात गंभीरता से कहना चाह रहा हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं सम्मानित लोग पैनल पे, मैं पूछना चाहता हूं कि केवल आप जो सिपाही के लेवल में रिक्रूटमेंट होता है उसकी एज 18 है, अन्यथा सरकारी नौकरी की एज क्या है? मिनिमम एज कितनी है? 21। तो आप ये सोचिए कि मिनिमम एज के एंट्री पॉइंट पर कोई भी लड़का या लड़की, उसके पास एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट भी है, एक स्किल भी है और एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है, वो तो शुरुआत है 21 पे। हम जब 21 पे निकाल के उसको बेरोजगार नहीं कर रहे, वो तो तब होता था जब शॉर्ट सर्विस कमीशन में 2 साल की ट्रेनिंग और 7 साल की नौकरी के बाद, यानी 9 साल के बाद। अब अगर वो 19-20 साल के आसपास आया, वो 28-29 में निकला, तो अब वो रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस या रेगुलर सर्विस की रेंज से बाहर हो गया डेफिनेटली, इसलिए उसको फिर वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो दूसरों को मिली। पर यहां तो वो जब रेगुलर जॉब की शुरुआत के समय ही उसके पास ये सारी चीजें आ गई, इसलिए ये एक प्रकार का उचित प्रयोग है जो कि उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज देगा। शिवाज साहब ने बहुत अच्छी बात की, मेजर जनरल शिवाज जी ने, कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में, मेरा यह विचार है जहां तक जानकारी है, डेफिनेटली पैरामिलिट्री फोर्सेज में जब ये लोग अप्लाई करेंगे रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए तो इनको उसमें वेटेज मिलेगा और वैसे भी ये ट्रेंड होंगे तो ये हर मामले में कहीं बेहतर कंपीट करने की स्थिति में होंगे।